नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर हैं शेखर सांबा। ये पूछते हैं गुरुजी, कैन आई वेयर सिक्स मुखी रुद्राक्ष एंड नीलम स्टोन? छह मुखी रुद्राक्ष और नीलम ब्लू सफेद जो इसको साथ में पहन सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि एज पीपल सजेस्ट नॉट टू वेयर रेड कोरल एंड नीलम टुगेदर, मतलब कोरल जो मूंगा और नीलम को साथ में नहीं पहनना चाहिए, ऐसा लोग बताते हैं। मैं भी बताता हूँ आपको ऐसा। तो ये कहते हैं कि भाई ये एनिमिकल प्लैनेट्स हैं, तो इसलिए मैं छह मुखी रुद्राक्ष अल्टरनेटिव टू रेड कोरल समझता हूँ कि पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। आप एकदम पहन सकते हैं, एकदम सही निर्णय है आपका। आप जो हैं नीलम के साथ में आप शिवमुखी रुद्राक्ष पहने बहुत अच्छा है। कोरल तो अवॉइड ही करें, मूंगा मत पहनिएगा। लेकिन ये भी देख लीजिएगा कि शनि की स्थिति क्या है, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि आपके चार्ट में हितकारी है कि नहीं है, ये सब समझ कर ही आप नीलम धारण कीजिएगा। क्योंकि ऐसा तो ना हो कि ये मंगल कोरल और नीलम कम्बिनेशन के बारे में सोचते हुए और छह मुखी का सोल्यूशन को उस बारे में सोचते हुए आप ये भूल तो नहीं रहे कि शनि आपके चार्ट में अच्छा है कि बुरा है। दूसरी बात यह है, यदि आपके चार्ट में शनि अच्छा भी है, लेकिन यदि आपके सूर्य की चल रही महादशा या चंद्रमा की चल रही महादशा, तो आप कतई नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि सूर्य की चल रही महादशा, तो सूर्य और शनि कॉन्ट्रा फोर्स है, तो नीलम धारण कर लेंगे, चाहे शिवमुखी के साथ धारण करें तब भी हानि करने वाला है, मुश्किल में पड़ेंगे आप। यदि चंद्रमा की चल रही महादशा, तभी नीलम धारण नहीं करना चाहिए, पहने हैं तो उतार दीजिए। सूर्य महादशा और चंद्रमा महादशा के टाइम में तो पक्का उतार देना चाहिए, क्योंकि वो बनाता है विषयों। तो मैं हरदम कहता हूँ कि आपने वीडियो भी देखा होगा कि जेमस्टोन्स को जिंदगी भर नहीं पहनना है, जितने समय के लिए जरूरत है उतना पहनना। जैसे आप कोई दवाई खाते हैं, बीमार हो गए तो जिंदगी भर तो दवाई नहीं खाएंगे ना, जब आपका बीमारी ठीक हो जाएगा तो आप दवाई खाना बंद कर देंगे। तो बीमारी ठीक होने के बाद दवाई खाते रहेंगे, एक सीमा होगी। कोई बीमारी आपको, फीवर हो क्या, डेंगू हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, मैं असाध्य रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर की या जैसे लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साधारण उसको तो रोग मानते भी नहीं है, कहते लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स इश्यूज बोलते हैं उसको। और कैंसर क्यों होता है क्या है वो तो अभी तक साइंस समझ नहीं पाया है, तो उसको रोगों की श्रेणी में नहीं रखता हूँ मैं। ये सब एक्सेप्शंस हैं। तो जैसे आप दवाई हरदम नहीं खाते हैं, विटामिन भी पूरा नहीं खाते हैं, जब जरूरत है तब खाते हैं, उसी प्रकार से जेमस्टोन को इस्तेमाल करना चाहिए। तो नीलम को भी आप ध्यान से पहनिएगा, ये आपसे कहना चाहूँगा। और छह मुखी का जो निर्णय है आपका कोरल की जगह पहनने के लिए, ये बहुत अति उत्तम निर्णय है। मैं तो ये आपसे कहूँगा कि छह मुखी के साथ में आप सत्रह मुखी पहन लीजिए, 17 मुखी शनि वाला, एकदम सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत की बात होगी ही नहीं। जो नीलम को उतारना पहनना ये सब करने की जरूरत ही नहीं आपको। तो ऐसे ही कोई दूसरे हमारे दर्शक जो हैं आपकी तरह भेजा हुआ कोई इंटरेस्टिंग सवाल लेकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तब तक के लिए भाग्य दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।